हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। सो आज हम आपके लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं। वीकली करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो डॉट गुरु पर विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीकली करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। दूसरा प्रश्न है, तेल और गैस खोज कंपनी कैरन एनर्जी पीएलसी अब अपना नाम बदलकर क्या रखेगी? तो इसका आंसर है कैप्रिकॉर्न एनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से भारत वापस लाया जाएगा? तो इसका आंसर है कनाडा। और इस मूर्ति को जो है वो रेजिना विश्वविद्यालय में मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखा गया था। हमारा चौथा प्रश्न है, तेंदुओं का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका आंसर है वल्नरेबल। पांचवा प्रश्न है, जीरो वायरस पॉलिसी किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है चीन। हमारा छठा प्रश्न है, सीतगुड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। सातवां प्रश्न है, किगाली समझौता किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 2012। और किगाली समझौता जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। एक्सरे की खोज विलहम कॉनराड रेंटगन ने की थी और इसकी खोज जो हुई थी वो 8 नवंबर 1895 में हुई थी। हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका आंसर है संकल्प गुप्ता, और संकल्प गुप्ता जो है वो नागपुर के रहने वाले हैं। दसवां प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस भारतीय कोशिका जीव विज्ञानी को उनकी 104वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर कमल रणदिवे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है जेयर मेसियस बोल्सोनारो। बारहवां प्रश्न है, CIT रिपोर्ट के अनुसार दिवाली खरीदारी से कितने रुपए की कमाई का 10 लाख के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इसका आंसर है 1.25 ट्रिलियन, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 1,25,000 लाख करोड़ रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है, अख्तर पिया किस शासक का उपनाम था? तो इसका आंसर है वाजिद अली शाह। हमारा चौदहवां प्रश्न है, गुजराती नव वर्ष जिसे बेस्टू वर्ष कहा जाता है किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 नवंबर। पंद्रहवां प्रश्न है, वार्षिक गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण 7 नवंबर 2021 से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है गोवा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के नौसेना प्रमुखों की मेजबानी करेगा। हमारा 16वां प्रश्न है, जंगल की इंसाइक्लोपीडिया से किस महिला को जाना जाता है? तो इसका आंसर है तुलसी गौड़ा। हाल ही में इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, तुवालु देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है कोसिया नटानो। और तुवालु को पहले इलाइसिस आइलैंड के नाम से जाना जाता था और ये हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पॉलिनेशियाई देश है। इसकी राजधानी जो है वो फुनाफुती है और विदेश मंत्री जो है इसके वो साइमन कोफे है। हमारा 18वां प्रश्न है, न्याय विभाग ने 8 से 14 नवंबर 2021 तक चलने वाली किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है टेले लॉ ऑन व्हील्स। और यह अभियान जो है आजादी का अमृत महोत्सव का ही एक भाग है। 19वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र की किस जगह पर सड़क परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है पंढरपुर पालखी मार्ग। हमारा 20वां प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को अपनी रचनात्मक शहरों की सूची में स्थान दिया है? तो इसका आंसर है श्रीनगर। और श्रीनगर को लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। 21वां प्रश्न है, चीन के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार किस महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई है? तो इसका आंसर है वांग यापिंग। हमारा 22वां प्रश्न है, देश के ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनके जीवित होने पर ही उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में हर साल 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और 9 नवंबर को ही उत्तराखंड दिवस भी मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है, किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लॉस्को 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। 25वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है जनजातीय गौरव दिवस। हमारा 26वां प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से। हमारा 27वां प्रश्न है, कौन सा बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन कर रहा है?
तो इसका आंसर है आरबीआई। और हैकथॉन की जो थीम है वो है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। हमारा 28वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, तो इसका आंसर है अतुल करवाल। हमारा 29वां प्रश्न है, नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है आर हरि कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, इसी सनेक चर्चा में था यह क्या है, तो इसका आंसर है डायनासोर की एक नई प्रजाति। 31वां प्रश्न है, हाल ही के दिनों में दिल्ली में यमुना नदी में झाग की घटना देखने को मिली थी, इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो फॉस्फेट से है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्कूल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है तिब्बत के फुमा चांगथांग में, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 5373 मीटर। हमारा 33वां प्रश्न है, दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन रोगी किस देश में पाया गया है, तो इसका आंसर है कनाडा। हमारा 34वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में गुलाबी तेंदुए को देखा गया है, तो इसका आंसर है राजस्थान रणकपुर की पहाड़ियों में। 35वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका आंसर है जेसिका आर्डन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख कौन बने हैं, तो जो इसका आंसर है वो है सीलवर्धन सिंह। हमारा 37वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है, तो इसका आंसर है अमेरिका। 38वां प्रश्न है, 11 नवंबर को देश में हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, और इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से हर साल 11 नवंबर को उनका उपभोक्ता जयंती मनाने का फैसला किया है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। हमारा 40वां प्रश्न है, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तो इसका आंसर है आचार्य जेवी कृपलानी। 41वां प्रश्न है, सुर्खियों में रहने वाला कांहो गांव कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही कमल रणदीवे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर है जैव चिकित्सा शोध। हाल ही में राज्यसभा का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है पीसी मोदी। अगला प्रश्न है, रेजांग ला स्मारक किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका आंसर है लद्दाख, और यह स्मारक जो है वो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 12 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है विश्व निमोनिया दिवस, और इस साल की जो थीम है वो है स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स। हाल ही में ब्यूटी स्टार्टअप नाइका की संस्थापक भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं, वे कौन है, तो इनका नाम जो है वो है फाल्गुनी नायर। हमारा 47वां प्रश्न है, 5 नवंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है विश्व सुनामी दिवस। 48वां प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर है मिस्र। 49वां प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है मेघालय। 50वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इगास पर्व पर राजकीय अवकाश करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेम्स नदी कहां बहती है, तो इसका आंसर है लंदन। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मंगलुरु के किस संतरा विक्रेता को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है हरिकाला हजवा। हमारा अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर है सत्य नारायण प्रधान। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 14 नवंबर का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है विषम मधुमेह दिवस, और इस साल की जो थीम है वो है असेस टू डायबिटीज केयर। हमारा अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान की गई थी, तो इसका आंसर है 1961, और इस साल जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 60 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2021 को निवेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कौन कौन सी दो ग्राहक केंद्रित पहलों को लॉन्च किया है, तो ये जो पहले हैं वो है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, और दूसरी जो है वो है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले आम आदमी जिन्हें संत घोषित किया जाएगा, तो इसका आंसर है देव सहाय पिल्लाई, जो कि केरल से संबंधित हैं, और इन्हें वेटिकन के सेंट पीटर्स में 6 अन्य लोगों के साथ संत घोषित किया जाएगा, और पोप फ्रांसिस जो है इन्हें संत घोषित करेंगे, और पिल्लई संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आम आदमी भी बन जाएंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे वीकली करंट अफेयर। आप ज्यादा जानकारी के लिए देखो सीखो डॉट गुरु पे विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।